ये देखें जी बाहर से कुछ इस तरह हालत है बेचारों के कमरे की। बोलती नहीं बैठा था मेरे यहाँ लिखा ही खड़े ना। मामू ने उठा लिया था इसको लेकिन ढूंढती रही, अभी नाराज होके बैठी है। असर के टाइम आती है। हाँ लंच दे दिया करें ना आप साथ में, सारा एरिया तो वैसे का वैसे पड़ा है। चलो ये मेन चीज है, ये खराब ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खराफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक है। मुस्तफ़ा पीछे हो जाओ, मैं उठाऊंगा। उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह जी, मिसाला हमारा हो गया है खत्म। आप लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि मामू और मामी जो है ना मेडिसिन लेने के लिए गए थे, इस वजह से लेट हो गए थोड़ा सा। तो अभी आया है, नमाज वगैरह अदा की है और मिसाला बना के हम दे रहे थे साथ साथ में। भाई को भाई लगे हुए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई ने क्या काम किया है माशाल्लाह। वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ तक पहुँचा है वो भी दिखाते हैं। मुस्तफ़ा जो है ना अभी कह रहा है कि मैंने उठाना है, तो अभी चलते हैं जी मेन पॉइंट की तरफ। ये रहा जी हमारा किचन और इसको हम ना प्लास्टर करवा रहे हैं। और चेक करें ये भाई के हाथ में सफाई, चेक करें कच्चे के ऊपर पक्का हो रहा है, मतलब के सीमेंट चूना और रेत ये जो है ना कोके वगैरह यहाँ पे लगाए और साथ में तार भी लगाई है, इसकी वजह से जो है ना ये प्लास्टर रुकेगा, गिरेगा नहीं। हाँ गिरेगा नहीं, तो बस सही करेगा ना, पकड़ सही करेगा बिल्कुल। अभी भाई को मामू ने बोला है, मामू ने बोला है कि बस यही लास्ट, अगर ये इसको खाली करें और फिर ना सुबह इंशाल्लाह करेंगे काम, क्योंकि बारिश का माहौल बना हुआ था, साथ में लगे हुए थे, बारिश भी हो रही थी और बस साथ में काम भी कर रहे थे। अभी ये वाली साइड तो होगी कम्प्लीट, पक्का हो जाएगा ना तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हो जाएगी कि ये अब जो है ना अब टेंशन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत अल्लाह पाक ने अच्छा सोचा है। ये बेचारा ठीक हो गया तो इसी ने शायद अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था कि इसी ने ही मुझे ये पक्का करके देना है, क्योंकि मैं इतनी टेंशन में थी ना कि बहुत ज़्यादा सोचते थे दोनों फिदा जान और मैं कि इसका क्या करें, अब इसको लिपाई हो गई है इसका क्या करें। फिर जो है ना इसने ही आइडिया दिया है, जैसे कि बोला कि आपने कच्चे कमरे को, जैसे मेरा कच्चा कमरा है जैसे ये मट्टी वाला है तो सीमेंट और चूना और रेत लगा के इसको पक्का किया है, बोला इसको भी ऐसे ही कर दो ताकि जब बारिश आएगी ना ये नहीं पिघलेगी। मैंने कहा चलो आपसे होता है तो फिर आप कर दो। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर खूबसूरत खूबसूरत कलर करेंगे, कलर भी नहीं उतरेगा, कलर वो बाद में दिखाएंगे इंशाल्लाह। पहले इसको डिजाइन किया था इंशाल्लाह अभी हम, और हम ये भी सोच रहे हैं कि इसकी जगह को भी रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह भी एक एसएस मिला आप लोगों के लिए, सरप्राइज है। बड़ा अफसोस है इस, उस बेचारे की ना कमर टूट गई, बूढ़ा हो गया बेचारा, एक साल के अंदर, वरना जो है ना सदियां सदियां चलते हैं ये। लेकिन वो पुराने वाले मिस्त्री जो बनाने वाले होते थे ना वो भी कमाल होते थे ना, पक्का करके बनाते हैं। डॉगी बैठे हैं ये देखो कैसे नीचे, हाँ वो भी बैठे हैं, डॉगी भी बैठे हैं, जरूर है डॉगी भी बैठे हैं या कोई बच्चे वगैरह चढ़े हैं इसके ऊपर। अभी तो डॉगी के बैठने की सुकून की जगह बन गई है, देखो है ना, देखो बैठ बैठ के ये हुआ हुआ है। हाँ ये कुछ ना कुछ हुआ है, हम जब गए बिल्कुल सही था, जब वापस आए तो फिर ये धर्म भरा में निजाम सब बिल्कुल। चले जो होता है अल्लाह को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह इसको भी सही करते हैं। लेकिन मैं इसका कह रही हूँ इधर भी ना ये कखों की नहीं बनाते ऐसे, वो बनाते हैं मट्टी वाला कमरा, वो बेफिक्र रहे हैं आप, वो मेरा काम है इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो प्रोसीजर सोचा हुआ है ना वो कमाल का प्रोसीजर है इंशाल्लाह, ये भी होंगे ऊपर लेकिन वो भी होगा, वो भी पक्का सिस्टम होगा इंशाल्लाह। चलो सही है, फिर बारिश ना आए ना अंदर, बारिश नहीं आएगी, चलो ठीक, एक कतरा भी नहीं आएगा। उधर चले ना वो देना है, हाँ गोश्त देने के लिए जाना है, चले ठीक है। अभी टाइम तकरीबन मेरे ख्याल में 5 हो गए, हाँ अच्छा वो जो ना आप जाओ फिर गोश्त भी मैंने मंगवाया है, हाँ वो दे के आते हैं जो रात वाले दिन आप पता तो है, चले मैंने मंगवाया है क्योंकि अब लग तो ऐसे रहा कि शाम हो गए लेकिन बादल ऊपर छाए हुए हैं, ये सारे ना बादल छाए, सूरज अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है, अभी असर की नमाज हुई है अभी, हाँ जा कर दिया आ जाओ। मुस्तफ़ा ऐसे शरारतें नहीं करो, ये लगेगा आपको, मैं इसके साथ फिर वो निपटवाता हूँ, आप दे आओ, चले ठीक आप करवा देंगे। अभी मामी मुश्किल से तैबा से जान छुड़ा के आई है, छुपा के, अभी वो पीछे आ जाएगी मुझे पक्का पता है, हाँ मैं चुप के आई हूँ उसे पता है, पूरी रात था वो, आज तीसरा दिन है बुखार है और सारी रात उठा के फिर इसको बैठना पड़ता है, उसकी वजह से फिर मेरी खुद की, क्योंकि जब नींद पूरी ना हो तो फिर सारा दिन जो है ना बंदे की तबीयत अपसेट रह जाती है बिल्कुल, तो इस वजह से बस अभी मैंने कहा आप बैठो वहाँ पे
और मैं जल्दी से ये गोश्त दे के आती हूँ। मुझे लगता है धुआं निकल रहा है, सिस्टर खाना बना रही है, ऐसे नहीं? नहीं नहीं धुआं तो है। अच्छा आग चली हुई है, छोटी सी बच्ची कोने में बैठी हुई है, नजर ही नहीं आ रही, बेचारों के घर लाइट जो नहीं है। चले अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सिस्टर? क्या हुआ इसे? इसकी तबीयत सही नहीं है, उसकी कमर में बहुत दर्द है, तकलीफ रहती है। बेचारे को जब से सांप ने डसा है ना, तब से बेचारे की टांग एक तो काम नहीं कर रही थी, दूसरा जो है ना इसका पेट फूलता जा रहा है, मैंने सुना है ऐसे। आप ही गई हुई थी कल मेरे ख्याल में, परसों गई हैं या कल गई हैं हमारे घर? परसों गई थी। हाँ बता रही थी कि मैं आज काम पर नहीं जा सकी कि इसकी वजह से। आज भी आज काम पे गई हैं या नहीं गई हैं? आज नहीं, आज इसकी वजह से छुट्टी की है, और तबीयत इसकी बहुत खराब थी, तो इन्होंने कहा आज नहीं जाओ, मेरी तबीयत नहीं सही। बेचारों का एक रोजगार नहीं है और दूसरा बेचारे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, छोटे बच्चे को भी बुखार है, फिर इसके पास छोड़ के जाते हैं ना, तो वो भी ठीक नहीं है, इसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर आज काम पे भी नहीं गई? आज काम पे भी नहीं गई। वैसे काम पे कितनी तनख्वाह मिलती है आपको महीने की? बस जो दे देते हैं ले आती हूँ, इतना काम करवाते हैं बस थोड़ा बहुत दे देते हैं, खर्चा पानी जो गुजारा चल रहा है मेरा। चले अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चलो सिस्टर ये हमारी अजरा बाजी की तरफ से जो हर जुमेरात को हम आपको गोश्त देते हैं। ठीक है, बीफ का गोश्त है आज, ठीक है? जी शुक्रिया। बच्चों को खिलाएं और भाई को भी सूप वगैरह बना के दें, ठीक है? जी, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, ये बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही मैं क्या। गुर्बत की वजह से अच्छे डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, दवाई ले नहीं सकते, तो बस बेचारे क्या करें। ये भी बेचारी जाती है बंगले के ऊपर, बर्तन वगैरह झाड़ू वगैरह धोती लगाती है, धोती है बर्तन कपड़े धोती है, तो बेचारों के छोटे छोटे बच्चे हैं और रहन सहन आप लोगों के सामने इन बेचारों का, ना लाइट है, अब अंधेरा छा जाता है, बेटी बेचारी बैठी हुई है छोटी सी कोने में, लेकिन डर लगता है ना, देखो कितना अंधेरा है, लाइट नहीं है, ऊपर से बच्चों को कुछ काट ले, वैसे भी देखो देहात वाला इलाका है ना हमारा, बिच्छू नांग पहले भी बेचारे इसको सांप ने काट लिया था ना। पहले वो असल में ना मसला मामी ज्यादा ना इसको सांप की वजह से हुआ, पहले इनकी इसकी टांगों का ऑपरेशन हुआ हुआ है, ये देखे ना, ये देखें पहले इसकी टांगों का ऑपरेशन हुआ हुआ है बेचारे का ना, यहाँ नीचे तक, ये देखें अल्लाह अकबर। तो फिर जब सांप ने काटा है ना, तो फिर जहर फैल गई टांगों में, तो फिर ज्यादा मसला बन गया बेचारे का। बस अल्लाह इसको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह इसके बच्चों के ऊपर इनका इसका साया कायम रहे, आमीन। ये चलो बेचारा भले चरपाई के ऊपर लेटा रहता है, बच्चों का आसरा तो है ना, बाप है उनका माशाल्लाह, इसको लंबी अल्लाह पाक आपको सेहत दे। चले हमारी बहन हमसे जितना होगा हम अपनी बहन के लिए जरूर आवाज उठाएंगे, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी। पहले भी माशाल्लाह अजराबाद जी आपको महीने के बाद राशन भी देती है, चलो उधर से जो पैसे ले जाती हैं मेडिसिन वगैरह। एक तो बिचारी का जो है ना, ये देखो ये इसका कमरा है, एक तो बिचारी का घर नहीं है, जब बारिश आती है पूरा बिचारे का सामान गीला हो जाता है, क्योंकि ये कमरा भी जो है ना बेजान हुआ हुआ है, बिल्कुल ये कमरा भी बेजान है, बस अल्लाह का आसरा करके बैठे हुए, बाहर भी इसकी कोई हालत नहीं है, अंदर ही इसकी कोई हालत नहीं है बेचारे की। चलें अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक रहम करेगा। मेरी बहन अल्लाह से दुआ किया करें, नमाज अदा किया करें, अपने शौहर के लिए भी दुआ किया करें और अपने रिज़्क के बरकत के लिए भी दुआ किया करें, और अजरा बाजी के लिए जो आपको राशन भेजते हैं, जो आपको ये चिकन वगैरह देते हैं, गोश्त वगैरह देते हैं, बीफ वगैरह देते हैं, मछली देते हैं, तो उनके लिए भी ढेर सारी दुआ किया, सारी दुआ की करो उसके, ठीक है? जी ठीक है, जजाक। इस बहन की ना मुझे एक आदत अच्छी लगती है, ये बहन जो है ना पांच वक्त की नमाज अदा करती है ये माशाल्लाह से। चले जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर सुनेगा आपकी, अल्लाह पाक बेनियाज है। तबीयत सही होती है, भाई जान भी मुझे नजर आता है, ये हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है। बिल्कुल, ये देखें जी बाहर से कुछ इस तरह हालत है बेचारों के कमरे की, ये भी सारा टूटा हुआ है बिल्कुल बाहर से। अभी आ गया जी अम्मा के किचन में और अम्मा ने माशाल्लाह आग जलाई हुई है बेचारी को, इसको भी बुखार है और आग सेक रही है, और अभी आ गया जी हम अम्मा जी को देने के लिए। ये ले अम्मा जी, सर पे पट्टी बांधी हुई है, कह दी है कि मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पसीना भी आया हुआ है आपको। ये किसकी तरफ से आज अम्मा से पूछेंगे क्या है? ये गोश्त गोश्त किसकी तरफ से है? मैं क्या बोला कि आपको किसकी तरफ से दे के जाते हैं?
नाम याद है? हाँ, ये अपना इंद्रा तारक बेटे का है। ओ, क्या बात, तारक बेटा है ना। हाँ, आपकी अजरा बेटी और तारक बेटा अजरा बेटी। भूलती नहीं तारक बेटा, तो मेरे यहाँ तो लिखा ही खड़े ना। चलें जी चलें जी, अल्लाह पाक खुश रखे आपको, उनके लिए आमीन आमीन। उनके लिए, तारक के लिए, तारक भाई के लिए, अजरा बाजी के लिए और उनकी बेटी के लिए ढेर सारी दुआ कर दें। हाथ उठा के बेटे को अल्लाह शफा देवे, अजरा बाजी को भी शफा देवे, आमीन आमीन। उनके सारे फैमिली को अल्लाह सोना शफा देवे, आमीन आमीन। अल्लाह सोना जड़ा उन्हों को बहु देवे, बहु देवे, आमीन। मैं दुआ उन्होंने की बहु मंगदी, अल्लाह सोना उन्हों को बहु सारे सुख ते सेहत देवे, आमीन। मेरे अपने बचड़ा कि अल्लाह सोना सुख सेहत देवे, खान बेटे को अल्लाह शफा देवे, आमीन। उनके घर वाले को भी अल्लाह सोना शफा देवे, आमीन। अल्लाह सेहत देवे, अल्लाह सोना, अल्लाह पाक आपको भी शफा दे, अल्लाह मेरे दुख अल्लाह दूर कर दे, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह चले जी, अम्मा ने आग जलाई हुई है माशाल्लाह, और अभी सालन बनाएगी, सालन अभी बनाना है ना। हाँ भी हम क्या कराऊँ, बनाएंगी या देर थी वैसे दुरुद कोई भी बनाए दी था। चले जी, अम्मा की एक बात बहुत अच्छी है, जब भी मतलब जुमेरात हम गोश्त दे के जाते हैं ना, तो माशाल्लाह खत्म भी पढ़ती हैं, दुरुद भी देती हैं अपने शोहर के लिए, अपने शोहर के लिए देती है ना। जी जी जी। चले जी, अम्मा जी के पास एक बेटा भी है, सारे जो इन में दुरूद रहे हैं। इनके शोहर की ना, इनके शोहर की तरफ से इनको एक निशानी मिली है, उसमें ये बेचारी वो सुनती रहती हैं बस, जिस तरह इनके शोहर शौकीन थे रेडियो सुनते थे। वो रेडियो किधर है अम्मा? अम्मा रेडियो किधर है? रेडियो हाँ, रेडियो है पिया। किधर है वो? देखे साथ में रखा अम्मा जी, बेचारी सुनती रहती है। चले जी चले चले चले, ठीक है अम्मा जी, खुश रहे, हमारे लिए भी ढेर सारी दुआ करना, ठीक है? ठीक है, मैं दुआ करेंगे उन्होंने, अल्लाह बहुत शफा दे उन्हें। चले जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे हमारी अम्मा को, हमारी अम्मा का साया हमेशा कायम और दायम रहे हमारे सरों पर। ये कौन है, आप कौन हो? कौन हो आप? अभी नाराज होके बैठी है, मामी लेके नहीं गई ना, इस वजह से मामी को पीछे ढूंढती रही है। मामू ने उठा लिया था इसको, लेकिन ढूंढती रही, अभी नाराज होके बैठी है। किसकी बेटी? उस वक्त लेके चलते इसको। मम्मा की, बाबा की? मम्मा की। मम्मा की? आपने क्यों पकड़ा था? गलत बात है, बाबा ने पकड़ा था ना। मम्मा की पाली। चलो सर्दी लग रही है, अंदर आ जाओ ना। बस मेरी पारी अम्मी, अभी ना इसको भूख लगी हुई थी, तो मैंने मटर से जो है ना निकाल के इसको थोड़े से बस एक आलू जो है ना छोटे छोटे करके इसको खिलाए। व्लॉग बने लगे, बड़ा बनाओ व्लॉग। वो बना रही है देखो, हाथ से व्लॉग बना रही है, ऐसे करके ऐसे। इधर बहू है? नहीं नहीं है बहू, नहीं है बहू। किधर है बहू? कुछ भी नहीं है, बड़ी सिस्टर ने बनाए चावल, तो वही देख रही हूँ इधर से, क्योंकि बाहर वाले किचन में बनाए, चावलों की खुशबू आ रही है, चावल की खुशबू आ रही है, इसीलिए ना मैं बड़े से माचे के ऊपर बैठ गई हूँ, देख रही हूँ कब दम खुलेगा, तो प्लेट जो है ना यहाँ से इधर एंटर होगी। चले अभी मामी आ गया जी रोटियाँ बनाने के लिए, साथ में दाल डाल के देती भी जा रही है रोटी सबको, और साथ में रोटी बना भी रही है। और मामू गया हुआ है नानी अम्मा के पास वीडियो अपलोड करवाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो गया हमारा वीडियो अपलोड करने का, 7:31, हम 7:30 ही वीडियो अपलोड करते हैं, अभी 7:31 हो रहे हैं। कभी कभी ऊपर नीचे टाइम, हाँ कभी कभार मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभार नेटवर्क का मसला होता है, अपलोड लेट होती है, कभी कभार वीडियो बनाते बनाते अपलोड करने में देर हो जाती है, तो इसलिए सिलसिला साथ साथ चलता रहता है। वैसे एग्जैक्ट टाइम जो है ना हमारा 7:30 ही है मैक व्लॉग पे, और 1:30 है तैबा व्लॉग पे। तो अभी खाना किस किसने खा लिया? नानी अम्मा ने खा लिया, मैं को पहले दे दिया, क्योंकि मैं खाती है शाम को 5 बजे। हाँ दोपहर को नहीं खाती, दोपहर को नहीं खाती, सुबह भी भाग दौड़ में बस खा के जाती है, लंच तो साथ में देती नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह सोचा हुआ है ना इसको लंच भी साथ में दो, क्योंकि असर के टाइम आती है। हाँ लंच दे दिया करे ना आप साथ में, और बार बारिश हो रही है, मजे की बात बताऊं आप लोगों को। हाँ उस किचन को, किचन को ढांपते हैं, किचन को चेक करते हैं, ये तो मेरे ज़हन में भी ख्याल आया। ये देखें गाइस बाहर हो रही है जी बारिश,
तो अभी किचन का कुछ करते हैं। अभी जी जल्दी जल्दी से भाग के मामी और मैंने इसको ढांप दिया अच्छे से ताकि भाई की मेहनत खराब ना हो। ये देखिए ख्याल करना किनारे नहीं टूटे। हां किनारे इधर से भी है, अब इसको ना ऐसे कर देंगे। हां ऊपर से अच्छी तरह से ढांप दिया है और बारिश जो है ना तेज होती जा रही है। ठीक है मामू अब ठीक है तो है, लेकिन इसका क्या होगा फिर? हाँ चूल्हेगा चूल्हा और ये सारा एरिया तो वैसे का वैसे पड़ा है। चलो ये मेन चीज है, ये खराब ना हो। अच्छा हाँ लेकिन बारिश ना 17% है, मतलब वेदर के मुताबिक ना। अल्लाह पाक खैर करेगा, फसलें जो है ना पक चुकी हैं, पक चुकी हैं। किचन ढाप के आ गए हैं और अल्लाह पाक की रहमत जो है ना ऐसे हल्के हल्के सी बरसती रहे, किचन मेरा बिल्कुल नहीं खराब होगा क्योंकि मट्टी है। बारिश तेज होती जा रही है मम्मी देखें। कोई नहीं, जैसे मेरा मालिक चाहे वैसा ही सब कुछ होता है। मम्मी डॉगी 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 भाई अल्लाह सच में है, देख तो सही। डॉगी जो है ना इतने झगड़े इतने बहुत सारे, अम्मा से पूछने के लिए जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह। किचन में मैं ना जल्दी से जाके इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।